हाय गाइस, सो इन दिस सेशन हम देखेंगे रिफ्रैक्शन पे प्रैक्टिकल। तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, ग्लास स्लैब। जैसे देख सकते हैं ये ग्लास स्लैब हो गया। तो ये ग्लास स्लैब का जो डायमेंशन है वो क्या है, 75 mm इसका लेंथ हो गया, और ये 50 mm जो है वो ब्रेड्थ हो गया, और ये मेरा जो हाइट हो गया ये 18, यानी 75, 50 और 18 mm का ये ग्लास स्लैब है। ये देख सकते हैं आप, ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद हमें चाहिए ये पेंसिल, एक स्केल और एक प्रोटेक्टर और कुछ पिंस, ध्यान रहे, और एक वाइट पेपर। तो वाइट पेपर के बाद हमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमने ये जो पिन जो है वो ऑलरेडी जो बोर्ड पिन है उसको हमने अरेंज कर रखा है, इसलिए कि ताकि ये हिले नहीं। अब हम लोग देखते हैं इसको हम करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम जो ग्लास स्लैब है इसको एक मिडिल सेंटर में रख देंगे, और उसके बाद ये आउटर बाउंड्री बनाने का कोशिश करेंगे। सो अब हमने आउटलाइन कर लिया, और आउटलाइन करने के बाद अब हम अंदाज से क्या करेंगे, एक मिड पॉइंट लेंगे। सबसे पहले इसका नाम दे दीजिए आप, ए बी सी डी। इस ग्लास स्लैब का जो साइड हो गया ए बी सी डी हो गया। तो हम क्या करेंगे, ए बी पर एक मिड पॉइंट लेंगे और एक मिड पॉइंट लेंगे हमने। अब इस मिड पॉइंट पे क्या है कि हम प्रोटेक्टर के थ्रू क्या करें, मिड पॉइंट लेके हम क्या है 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री का हम ऐसे, तो दो साइड से 45 ले सकते हैं। देखिए ये जो मेरा नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल जीरो से हो गया, तो जीरो से ये 10, 20, 30, 40 और हाफ 45 ऐसे भी ले सकते हैं, और नहीं तो नीचे से भी आप ले सकते हैं। तो ये दोनों यदि आप स्ट्रेट से लीजिएगा तो यहाँ से जीरो शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो हमने ये 45 डिग्री का ले लिया। अब हम क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से ये जो मैंने जो पॉइंट बनाया था ये 45 डिग्री का, ये हम एक लंबा सा रे ले लेंगे। ये मेरा 45 का रे हो गया। अब उस पर हम क्या करेंगे कि इस पर जो मेरा जो पिन है, ये पिन क्या है कि हम एक लगा देंगे यहाँ पे। तो पिन लगाते समय ध्यान देना, ये एक बोर्ड पे लगा देंगे, ठीक है। ये बोर्ड पे हमने लगा दिया कि थोड़ा दूरी रखेंगे ताकि एक्यूरेट मेरा मेजरमेंट है। तो कम से कम 5 सेंटीमीटर का आप ले सकते हैं, या 5 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये हमने ये पिन लगा दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि ग्लास स्लैब को रख देंगे। अब ग्लास स्लैब को जैसे मैंने सेटअप किया था वो लगा दिया। अब उसके बाद जो हमारे पास जो रिमेनिंग जो दो पिन है उसको क्या है कि हम उतर जाएंगे, क्योंकि मैं बैठा हूँ ऊपर, ठीक है। तो अब क्या है कि इसके बाद हम ये एंड से क्या है कि ये हम क्या देख के, सो हम ग्लास स्लैब के अदर एंड से देखेंगे और ये दोनों पिन को देखने का मदद करेंगे। तो ये गौर करेंगे जब हम लोग इस साइड से देखेंगे तो ये मेरा जो पीछे वाला नहीं दिखेगा। फिर क्या है कि हम लोग थर्ड पिन लगाएंगे तो ये हमारा ये लास्ट वाला नहीं दिखेगा, और उसी तरह जब ये लगाएंगे तब ये नहीं दिखेगा, यानी एट लास्ट ये जो सारा पिन है एक लाइन में हो जाएगा, अगर हम ग्लास स्लैब के इस कॉर्नर से देखें तो। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रेड वाला जो बोर्ड पिन है और ये ब्लू रेड बोर्ड पिन है। तो ये आप यदि इस एंड से देखेंगे ग्लास स्लैब के, तो अब ये आपको ब्लू और रेड वाला एक साइड में दिखेगा, जबकि ये है नहीं। ऐसा क्यों अब हम बताते हैं। तो अब हम जेंटली क्या करेंगे, ये मेरा जो ग्लास स्लैब है इसका अब काम नहीं, इसका हम इसको ग्लास स्लैब को हटा देते हैं। और ग्लास स्लैब को हटाने के बाद ये जो है कि हम स्केल की मदद से, ये तो रेड वाला है इसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा बच गया ये जो ब्लू पिन है, इसके ब्लू पिन के पास से किनारे रख के, ठीक है, इसको भी हम लोग हटा देंगे। और इस पर जो है ये जो लाइन है इसको हम लोग लाइन को एक्सटेंड कर दें, बना देंगे। अभी गौर करने वाला बात है ये दो, तो अब ये वाला जो पॉइंट है और इस पॉइंट को हम मिला देंगे। ये मैंने मिला दिया। तो अब यहाँ पे थ्योरी समझते हैं कि जब हमने ग्लास स्लैब रखा था तो यहाँ पे क्या है, रे ऐसे आ रहा था, ये जो रेड वाला हमने रखा था ये रे आया। तो ये जो सबसे पहले रे आता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। चूँकि हमारा यहाँ पे ग्लास स्लैब रखा हुआ तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। तो बेंडिंग ऑफ लाइट कब होगा, जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो सबसे पहले जो रे है ये इंसिडेंट रे है, यानी जो इंसिडेंट रे है ये वाला जो मेरा एरिया है ये क्या है, रेयर मीडियम है, यानी ये हवा में है। और ये जो मेरा जो ग्लास स्लैब है ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, और फिर रेयर। तो हमारा जो रिफ्रैक्शन का लॉ क्या कहता है कि जब कोई रे
रेयर से डेंसर में मुड़ता है तो ये बेंट हो जाता है, और बेंट कहाँ होगा वो नॉर्मल के साइड। तो अब हम इसका ग्लास स्लैब को हटा के नॉर्मल बनाते हैं। तो नॉर्मल बनाने के लिए हम जनरली ये लाइन भी खींच सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ पे ये डायरेक्ट इससे ये प्रोटेक्टर की मदद से आप ये 90 डिग्री ले लीजिए। ठीक है, ये 90 डिग्री, ध्यान रहे कि पेंसिल शार्प हो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता है, थोड़ा मोड़ा एरर होता है, तो उसके लिए हम थोड़ा कोई टेंशन नहीं। ये मेरा नॉर्मल हो गया। तो सेम वे क्या है कि ये सेकंड नॉर्मल भी हम लोग ऐसे ले लेंगे। ठीक है, ये मेरा नॉर्मल हो गया। अब यहाँ जो है सबसे पहले ये जो रे हमने बनाया ये क्या है, ये इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को हमने आई से डिनोट कर दिया यहाँ पे, और ये मेरा हो गया, ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया। तो यहाँ जो ये एंगल बना ये मेरा इंसिडेंट एंगल बन गया, यानी एंगल आई बन गया। और ये जो है ये हो गया, ये एंगल आर, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया। और उसके बाद ये जो रे हो गया, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, यदि हमने प्रैक्टिकल अच्छे से किया होगा, यदि हमारा कोई एरर नहीं होगा, तो जो इंसिडेंट रे होगा और जो इमर्जेंट रे होगा, ये हो गया इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, तो ये जो लगभग क्या है कि सेम होगा, लेकिन एरर हो सकता है हल्का फुल्का। अब इसके बाद ये जो लाइन है जो हमारा आ रहा था इंसिडेंट रे, इसको हम क्या है कि पकड़ कर थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे। ये हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसा देख सकते हैं ये एक्सटेंड कर दिया। तो एक्सटेंड हमने कर दिया तो ये बोलेंगे इसको, ये इसके बीच का यानी इमरजेंट रे और जो इंसिडेंट रे के बीच का ये जो दूरी है, जैसे आप देख सकते हैं ये पैरेलल है, तो ये जो पैरेलल रे जो फॉर्म होगा उसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये मेरा लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये क्या हो गया, इमर्जेंट रे हो गया, इमर्जेंट रे हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब ग्लास स्लैब का काम नहीं है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ये क्या हो गया, ये मेरा पॉइंट ओ हो गया। तो रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल हो गया और रिफ्रैक्टेड, ये तीनों का तीनों कहाँ मिला, ये पॉइंट ओ पे मिला। ठीक है, उसके बाद ये जो है रिफ्रैक्टेड रे, तो अभी क्या है हमने देखा ये मेरा नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो ये जो क्या है कि हमने बोला कि जब क्या है कि एक रे ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम, तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, ये एयर है गया यहाँ पे, और हमने यहाँ ग्लास स्लैब रखा था, तो ये क्या हो गया, ये डेंसर, DEN, ये डेंसर। ठीक है, ये डेंसर हो गया, तो ये क्या हो गया, ये एयर वाले को रेयर भी बोलते हैं। तो ये रेयर से डेंसर में जब जाता है तो ये क्या हो गया, आप देख सकते हैं ये पास में आ रहा है। ठीक है, यानी नॉर्मल के टुवार्ड से मुड़ जाता है। ठीक है, अब डेंसर से जब रेयर में जाएगा, ये मेरा डेंसर हो गया और ये मेरा ये हो गया ये रेयर, यानी अब डेंसर से रेयर में जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ का दूरी और यहाँ का, ये नॉर्मल से दूर जाता है, जो ये मेरा क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में आता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी चीज़ जानेंगे। तो दूसरी चीज़ क्या जानेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमारा जो मेन मोटो था ये प्रैक्टिकल करने का, तो ये सबसे पहले तो हमने हमने नॉर्मल ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अब हमको क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपने सेकेंड लॉ जो पढ़ा है, तो सेकेंड लॉ को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी, ये कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये साइन आई का मतलब क्या हो गया, तो साइन आई का मतलब ये इंसिडेंट रे। ठीक है, और जो आर का मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे। ये अब हम क्या करेंगे, ये साइन आई, तो साइन आई का जो है ये जो हम वैल्यू देखते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हम जैसे देख सकते हैं ये मेरा लगभग क्या 40 है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये 40। ठीक है, अब 40 हो गया। अब इसके बाद ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये अंदर वाला, इसको भी हम लोग मेज़र कर लेते हैं कि प्रोटेक्टर की हेल्प से ये कितना होगा। तो ये लगभग कितना हो गया आपका, ये 20 है, 23 हो गया। ठीक है, ये लगभग ये 23 डिग्री हो गया इसका। तो ध्यान रहे कि साइन आई बाई साइन आर, तो ये साइन आई का वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो गया साइन आई का वैल्यू मेरा ये 40 डिग्री हो गया, और ये हो गया साइन आर
जो आर का जो वैल्यू हो गया ये 23 डिग्री हो गया। ठीक, साइन 40 का अब हम वैल्यू लिखेंगे, तो साइन 40 का जो वैल्यू हो गया ये 0.64, ठीक है, और साइन 23 का जो वैल्यू होगा वो 0.42। आप कैलकुलेटर से देख सकते हैं, ठीक है, तो जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये करीबन जो आपका ये आएगा ये 1.52 के अप्रोक्स आएगा, ठीक है, अप्रोक्स आएगा। तो इट मीन्स कि हमारा जो एन है यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन से शो करते हैं, यानी हमारा ये जो ग्लास स्लैब है तो ग्लास स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा 1.2 होता है। यही अब हम ये जो हमारा जो 90 है तो 90 के इधर आप किसी भी एंगल पे आप यदि कोई भी जो पिन लगाते हैं कितना भी एंगल बने तो ये जब भी इसका जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट होगा। इसलिए स्नेल्स लॉ को साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो ये जब भी इसका जो वैल्यू निकालेंगे तो हमारा नियर अबाउट 1.5 से, ये ज़रूरी नहीं है कि 1.5 है, ठीक है, ये एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है कि 1.5 या 1. नियर अबाउट आ सकता है। सो इन आशा करता हूँ कि आपको कुछ बता पाया। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे तो उसमें हम लोग प्रिज्म के बारे में बताएंगे कि प्रिज्म का जो डिविएशन कैसे निकाला जाता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाता है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स।